दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 के घर में अगर आप भी विवियन डिसेना के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों विवियन डिसेना घर के बाकी कंटेस्टेंट के साथ भले ही कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें, लेकिन वो अपनी दोस्ती को लेकर जो है पूरी तरीके से 100% लॉयल रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते हैं। दरअसल दोस्तों विवियन डिसेना घर के बाकी सदस्यों के साथ भी अगर थोड़ा सा रूडली पेश आते हैं तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, और बड़ी वजह यह है कि आपने डे वन से विवियन को देखा होगा, वो घर के हर एक कंटेस्टेंट के बारे में सोचते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ विवियन को धोखे मिलते गए और विवियन डिसेना जो है घर के बाकी कंटेस्टेंट के लिए बागी बनते चले। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले दूसरे हफ्ते में जब लोग खाने के लिए सर्वाइव करते थे तब जो है विवियन अकेले ऐसे शख्सियत थे घर के अंदर जो कि घर वालों के लिए किसी न किसी तरीके से जेल में बंद कैदियों से खाना जो है वो मुहैया करवाते थे। खैर बात करें लाइव फीड की तो आपको बता दें कि यहाँ पर विवियन डिसेना ने अपने दोस्त अविनाश, ईशा और एलिस के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है, जबकि वो घर के टाइम गॉड है और इसके बावजूद जो है उन्होंने घर के अंदर काम किया। दरअसल लोगों ने ये कहा कि रात का खाना बचा हुआ है तो अभी खाना नहीं बनाते हैं, रात वाले खाने को ही गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन विवियन ने कहा कि भाई अभी नया टाइम गॉड बना नहीं है, क्या पता नया टाइम कोड बनने के बाद में खाना मिले या ना मिले, इससे अच्छा है कि मैं तुम लोगों के लिए मस्त परांठे और भिंडी की सब्जी बना देता हूँ। और इसके बाद कहा था विवियन डिसेना जो है खुद ड्यूटी ना होने के बावजूद अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए परांठे बनाते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ भिंडी की सब्जी बनाकर अपने दोस्तों को दी, और ये चीज़ कहीं ना कहीं अविनाश, ईशा और एलिस को काफ़ी पसंद आई, और इसी वजह से जो है अविनाश, एलिस और ईशा जो है विवियन को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उसका कहना मानते हैं, भले ही लोग उन्हें चमचा क्यों ना बोलें। खैर दोस्तों, दोस्ती में ये सब चलता रहता है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे विवियन के इस कारनामे पर, आप अपनी राय भी कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वैसे आपको बता दें कि अभी तक जो है कैप्टनसी की सॉरी जो टाइम गोड की दावेदारी के जो टास्क है वही घर के अंदर हुआ है, लेकिन उसकी जो अपडेट है वो निकल कर सामने आ गई है। घर के अंदर नए टाइम गोड की जो है पूरी प्रोसेस हो चुकी है, टास्क भी हो चुका है, और यहाँ पर करणवीर मेहरा और दिग्विजय राठी जो है वो मात खा गए एन वक्त पर। जी हाँ दोस्तों, टास्क जो है जीतने के बावजूद जो है वो लोग इस टास्क को पता नहीं कैसे हार गए, इसका रीजन तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन घर के नए टाइम गॉड विवियन डिसेना बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, विवियन डिसेना घर के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने ये ताज जो है अपने सर पर दोबारा पहना है, बाकी घर में कई कंटेस्टेंट ऐसे भी है जिनको एक बार भी टाइम गॉड का जो है ताज अपने नसीब में हासिल नहीं हुआ है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, अगर आप भी विवियन के टाइम गॉड बनने पर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।